दोस्तों स्वागत है आपका जीएस न्यूज की अफसर बन जाओगे की सीरीज में। तो शुरू करते हैं हमारा सामान्य ज्ञान का डेली डोज डे 14 हार्ड लेवल। रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 8 सेकंड्स का वक्त दिया जाएगा और हर प्रश्न 5 मार्क्स का होगा। सबसे पहले दोस्तों मुबारक हो आपको इजी लेवल पार करके हार्ड लेवल पर आने के लिए। देखते हैं आप इस हार्ड लेवल के कितने सही जवाब देकर डे 15 की ओर बढ़ पाते हैं। और अगर आपके कुछ जवाब गलत हो जाए तो निराश ना हो, आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। पहला सवाल, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन सेटअप? आपके ऑप्शंस हैं ए तारापुर महाराष्ट्र, बी सूरत गुजरात, सी सोलापुर महाराष्ट्र या डी ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए तारापुर महाराष्ट्र। दूसरा प्रश्न, कार्ल बेंज ने क्या आविष्कार किया था? व्हाट कार्ल बेंज इन्वेंटेड? आपके ऑप्शंस हैं ए स्ट्रीट का, बी भाप की टरबाइन यानी स्टीम टरबाइन, सी गैसोलीन चालित ऑटोमोबाइल गैसोलीन पावर्ड ऑटोमोबाइल या डी ग्लाइडर। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सी गैसोलीन चालित ऑटोमोबाइल। तीसरा प्रश्न, साहित्य और कला के महान संरक्षक राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड किंग भोजा अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट बिलोंग? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्पला, बी परमार, सी गुर्जर प्रतिहार या डी करकोटा। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है बी परमार। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रोमीन, बी फॉस्फोरस, सी हीलियम या डी क्लोरीन। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए ब्रोमीन। पांचवा प्रश्न, ट्रैक एंड फील्ड स्टार कार्ल लुइस ने 1984 के ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ट्रैक एंड फील्ड स्टार कार्ल लुइस वॉन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स एट द 1984 ओलंपिक गेम्स? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 8, सी 5 या डी 4। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी 4। छठा प्रश्न, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स AIEEE की स्थापना किस दशक में हुई थी? इन विच डेकेड वॉज द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फाउंडेड? आपके ऑप्शंस हैं ए 1880s, बी 1850s, सी 1950s या डी 1980s। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए 1880s। सातवां प्रश्न, इनोसेंट थर्ड जो 1198 में पोप बन गए थे उन्होंने क्या नेतृत्व किया था? इनोसेंट थ्री हु बिकेम पोप इन 1198 लेड व्हाट? आपके ऑप्शंस हैं ए पहला धर्मयुद्ध द फर्स्ट क्रूसेड, बी दूसरा धर्मयुद्ध द सेकंड क्रूसेड, सी तीसरा धर्मयुद्ध द थर्ड क्रूसेड या डी चौथा धर्मयुद्ध द फोर्थ क्रूसेड। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी चौथा धर्मयुद्ध द फोर्थ क्रूसेड। आठवां प्रश्न, बारकोड स्कैनर का आविष्कार कब किया गया था? व्हेन वर द बारकोड स्कैनर्स इन्वेंटेड? आपके ऑप्शंस हैं ए 1964, बी 1974, सी 1984
या डी 1994 और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है बी 1974। नौवां प्रश्न, चरखे का उपयोग कब आम हो गया था? When was the use of spinning wheel became common? आपके ऑप्शंस हैं ए 10th सेंचुरी AD, बी 12th सेंचुरी AD, सी 14th सेंचुरी AD या डी 16th सेंचुरी AD और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सी 14th सेंचुरी AD। दसवां प्रश्न, आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? द गैस यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज व्हाट? आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है बी नाइट्रोजन। दोस्तों ये था डे 14 का हार्ड लेवल, मिलते हैं आपसे कल यानी डे 15 के इजी और हार्ड लेवल्स के साथ। उम्मीद करता हूँ आपने सारे जवाब सही दिए हों। कमेंट सेक्शन में अपने जवाब ज़रूर दें और बताना ना भूलें कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करें। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल GS न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।